हाँ जी, कैसा लगा है? पाकिस्तान अगर आज फाइनल में होता तो इंडियंस हमारा भी यही हशर करते? और नहीं नहीं, वो इम्पॉसिबल है, ऐसा हशर तो नहीं होना था। ये तो बहुत ही बुरा हो गया ना श्रीलंका के साथ जो हुआ है। अगर हम होते तो हम तो डेफिनेटली फाइट करते। आपने श्रीलंका पाकिस्तान की गेम देख ही लिया कि हम लास्ट बॉल तक लड़ते हैं भाई। तो क्या कहेंगे, इंडिया एक बड़ी टीम बन के सामने आई है या एक बैड डे था श्रीलंका का? श्रीलंका का बैड डे था, क्योंकि उन्होंने जो है ना शॉट्स खेली है ना वो सही जो है ना कर नहीं सके, सारे एजिज ही हुए हैं सबके तो। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि बैड डेज क्रिकेट में आते रहते हैं, कोई नहीं। तो इंडिया, लेकिन इंडिया नो डाउट गुड टीम है। बैट बॉलिंग उनकी, जो सिराज मिला है उन्हें, स्विंग करता है बोथ वेज, तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है अब इंडिया की भी। जी आपने भी फाइनल देखा, अगर पाकिस्तान होता तो हमारा भी यही हाल होता या इंडिया खुशकिस्मत रहा आज? नहीं नहीं, इंडिया खुशकिस्मत रहा आज, हमारा ही हाल ना, तो हम कुछ 200-250 स्कोर तो कर लेते ना इजीली। श्रीलंका ने तो बहुत ही मायूस किया है, 50 स्कोर पे ऑल टीम आउट होगी। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और एशिया कप भी जीत गया। दुख हुआ है श्रीलंका की इस परफॉर्मेंस में। मैं तो पाकिस्तान होता तो ये हाल ना होता। नहीं नहीं, पाकिस्तान होता ये हाल ना था, 200-250 स्कोर तो पाकिस्तान कर ही लेता ना, बेशक मैच हार जाता लेकिन थोड़ा सा मुकाबला तो करता। श्रीलंका ने तो बिल्कुल मुकाबला नहीं किया। एक फजूल, एक ठंडा सा फाइनल एशिया कप का, ना देखने वालों को मजा आया, ना खेलने वालों को मजा आया, और बड़े दुखी से जो है ना लोग जा रहे हैं। सर ये 50 रन वाला फाइनल मजा आया कि नहीं, पैसे नहीं पूरे हुए? आई थिंक मैच हो गया, जीत गया, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान टीम होती तो मजा तो आता ना, मिस किया पाकिस्तान को आज फाइनल में। आई थिंक हमारा ख्याल चल, अगर वो ज्यादा फाइट होते ये अच्छा हो गया, मैच तो जीत गए हम लोग, दैट्स द मोर पॉजिटिव पार्ट। क्या कहेंगे, इज अ बोरिंग फाइनल? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आई थिंक कोशिश तो की, बट डेफिनेटली इट वॉज अ लिटिल मोर डिसअपॉइंटिंग देन वी एक्सपेक्टेड। फाइनल था तो थोड़ा फाइट होता तो मजा आ जाता। थैंक यू, थैंक यू। भाई भाई भाई, बात तो सुन लो यार, पाकिस्तान को फाइनल मिस किया है, सच बोलना। 100% मिस किया है। ये 50 रन वाला क्या फाइनल हुआ, क्या कहोगे? बिल्कुल बहुत निराश है इससे। हम चाहते थे कि बड़ा स्कोर हो और इंडिया फिर उसको चेस करे और बहुत अच्छा लगे। पाकिस्तान होता तो जोड़ी बहुत ही, पाकिस्तान होता तो बहुत ही कॉन्टेस्टिंग मैच होता ही, हम मिस कर रहे। थैंक यू। सो ये श्रीलंकन फैंस बड़े दुखी उदास, फीका सा फाइनल देखने के बाद ये लोग वापस जा रहे हैं, और बिल्कुल भी इनको मज़ा नहीं आया, देखने वालों को मज़ा नहीं आया, खेलने वालों को पता नहीं क्या मज़ा आया होगा, सवाए सिराज के किसी को नहीं मज़ा आया आज के फाइनल का। सो एक ठंडा फाइनल होने के बाद अब लोग वापस जा रहे हैं और कोई इनको मज़ा नहीं आया है, ना कोई पैसे पूरे हुए हैं, किसी के भी नहीं पूरे हुए हैं। एशिया कप का फाइनल हारने के बाद श्रीलंकन फैंस बड़े उदास, दुखी और मुंह बनाए हुए जा रहे हैं। बेचारों के ना टिकट के पैसे पूरे हुए, अभी तो यहाँ पूरी तरह शाम भी नहीं पड़ी है, ये बेचारे थक के हारे ये वापस जा रहे हैं और इनको बहुत बुरी हार मिली है आज। सो ना ही पूछें इन बेचारों की इस वक्त जो फीलिंग है, बहुत ही दुखी फीलिंग के साथ ये वापस जा रहे हैं। और मुकाबला ही नहीं कर सकी है श्रीलंकन टीम, इन बेचारों ने पैसे खर्च किए, इतना महंगा टिकट खरीद के ये लोग आए और मुकाबला करने का मौका ही नहीं मिला इनको। और इंडिया ने, सिराज ने जो स्पेल डाल दिया है, इससे तो इनके होश ही उड़ गए हैं बेचारों के। और अभी इनकी ये करंट कंडीशन देखिए, दुखी, हर्ट, परेशान, उदास, कितनी तैयारी करके ये आए थे और इनकी सारी तैयारियाँ धरी की धरी रह गई हैं, और 50 रन पर इंडिया ने आउट करके एशिया कप का टाइटल जीत लिया है। और अब ये सैड एंड बैड मूड के अंदर ये वापस जाते हुए। व्हाट हैपेंड विद श्रीलंका? वी आर फ्रॉम हैदराबाद, होम टाउन ऑफ सिराज, वी आर अप्रिशिएट फॉर सिराज इंडिया। ओके, हिंदी बोल लेते हो? हिंदी बोलने का? हाँ। आप लोग थोड़ा चीयर कर देंगे साथ में?